दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस 4440 बोर्ड को डायरेक्टली ऑपरेट करना सीखेंगे। दोस्तों किस तरीके से हम इसको डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम ब्रास ट्रेबल वॉल्यूम कुछ भी लगाने वाले नहीं है, डायरेक्टली हम ऑपरेट करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों हम डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे और स्पीकर लगा देंगे और दोस्तों ऑडियो इनडायरेक्ट हम लगा देंगे। दोस्तों सिंपली हम इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। एंड दोस्तों अगर चैनल पर ना हो तो प्लीज़ यार वीडियो एक लाइक जरूर कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को इसका कनेक्शन बता देता हूँ। दोस्तों इसका जो कनेक्शन बहुत ही ईजी है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप सभी देखेंगे इस आईसी में टोटल आपको 14 पिन्स देखने को मिलेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप सभी शुरुआती में ही देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर पिन है, यहाँ पर 1 2, ये जो दूसरे नंबर का पिन है दोस्तों, इधर से दोस्तों देखेंगे तो ये होगा हमारा 13 नंबर का पिन होगा। दोस्तों ये जो 13वें नंबर का पिन है, सिंपली यहाँ से यहाँ पे हमें दोस्तों ऑडियो इन देना होगा। दोस्तों इसको आप सभी को ध्यान से देखना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे ही हमें ऑडियो इन देना है डायरेक्टली दोस्तों, और दूसरा बार हम ग्राउंड में लगा देंगे, ठीक है, ऑडियो इन का। और सिंपली यहाँ पर अगर आप सभी देखेंगे इधर से दोस्तों अगर गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ये जो 9 नंबर के पिन है, सिंपली यहाँ से तो यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर का जो पिन है यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर लगा होगा। और सिंपली उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को स्पीकर का एक वायर लगाना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप सभी देखेंगे तो यहाँ इधर से मैंने दोस्तों इधर से गिना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे इधर से दोस्तों जो दोस्तों स्पीकर का दूसरा वायर यहाँ पर आपको लगाना है। तो सिंपली दोस्तों हम इसको सोल्ड करके आप सभी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये रहा स्पीकर। दोस्तों स्पीकर थोड़ा छोटा है, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को इसको चेक करके दिखाऊँगा सिर्फ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इससे कनेक्शन कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमने स्पीकर का कनेक्शन कर लिया है। और दोस्तों इसका जो सप्लाई सेम उसी जगह पर ही रहेगी। दोस्तों सप्लाई आपको वहीं पर ही लगाना है। इस कैपेसिटर पर दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर लगा होता है इधर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सप्लाई देना है। तो सिंपली दोस्तों चलो फटाफट से इसका हम सप्लाई का भी कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं फाइनली। सो प्लस मैंने दोस्तों आप सभी को अच्छे से देख कर ही लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सप्लाई के कनेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऑडियो इन का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जैसे ही हमने बताया था वहाँ पर हम सोल्ड कर देंगे इसको ऑडियो इन। दोस्तों यहाँ पर जो इधर से देखेंगे दोस्तों ये दूसरे नंबर का पिन है, तो यहाँ पर मैं सोल्ड कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों इसका जो दूसरा वायर है हम इसको ग्राउंड में चाहे जहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमने ऑडियो इन का भी कनेक्शन कर लिया। दोस्तों आप मैं आपको इसको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से दोस्तों साउंड आता है इसका। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर सारा कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर एक NCS के म्यूजिक प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो साउंड है थोड़े से दोस्तों यहाँ पर थोड़ी नॉइस आ रही है। दोस्तों यहाँ पर जो स्पीकर है थोड़ा छोटा है। दोस्तों यहाँ पर बड़ा स्पीकर यूज़ करना था। दोस्तों यहाँ पर 4440 आती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप सभी ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी को आज के वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो एक लाइक जरूर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके।